भाभी ने दुष्पाल के मोहर लगाया, एक छींक हो गई। भाभी कहने लगी लला देवर मान जाओ, रुक जा, बोले रुकेंगे नहीं, दूल्हा बना समय नहीं हमारे पास। पट्टा पर बैठ गया, तब तक हुआ ये हो गई। सुतपाल को ऐसी पटक लगी, परियां फूटने, लड़कियां हंसने लगी। सुतपाल कहने लगा, ये लड़कियों क्यों हंस रही हो, चुपचाप कैसी बैठी हो, कुछ गीत गाओ, कुछ गाना गाओ, तुम्हें मालूम नहीं आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। मेरे भैया भाभी फिर भी कहने लगी, बेटा अभी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुतपाल कहने लगा, भाभी मैं नहीं मानूंगा, रुक्मणी के साथ विवाह करके जाऊंगा, रुक्मणी बहुत सुंदर है। लड़कियां खड़ी खड़ी हंस रही थी। शिशुपाल सोचने लगा, मुझे लगता है मेरे दूल्हा बनने में कोई श्रृंगार कम रह गया, इसलिए लड़कियां हंस रही हैं। दिमाग में एक बात आई, सोचने लगा, वाह एक ही श्रृंगार रह गया है, वो है काजल। आंखों में काजल नहीं लगाए, भाभी से जवाब दिया है, भाभी घड़ी घड़ी क्या देख रही हो, तुम चाहती हो कि अच्छे से दूल्हा न बन पाए, इसकी शादी न हो पाए, इसलिए तुम मुझे अच्छे से दूल्हा नहीं बना रही। काजल रह गया, जल्दी लेकर के आओ, काजल लगाओ। भाभी काजल लेकर के आई है, उसी समय हुआ आई है, और ये 10 रुपए पर्चा और करिश्मा।